नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बनाएंगे नारियल का सूखा बुरादा। ढेर सारी मिठाइयाँ भी बनाएंगे हम इस बुरादे से। और इसके लिए हमें चाहिए नारियल, और ये आ गया हमारा नारियल। अब इसे तोड़ने के लिए हमें चाहिए एक टूल, और ये आ गया हमारा टूल जो मैंने अपने हस्बैंड के टूल बॉक्स में से निकाला है। टूल यानी हथौड़ा है, और इसे हम धीरे धीरे इस पर ठोकेंगे, चारों तरफ ठोकेंगे, चारों तरफ हल्का हल्का सा हमें ऐसे ठोकना है। और ठोक के इस नारियल को तोड़ना नहीं है अभी, चारों तरफ जरा ऐसे ऐसे ठोकते रहिए, और फिर धीरे से इसका शेल अपने आप ही टूट जाएगा। नारियल लेते समय ध्यान दीजिए, एकदम सूखा हुआ नारियल भी नहीं लेना, और एकदम टेंडर कोकोनट भी नहीं लेना है। वो जो थोड़ा थोड़ा पानी रहता है वैसे वाला नारियल लेना है, ताकि हमारा जो डेसिकेटेड कोकोनट हो वो एकदम टेस्टी बने। अब आप देख सकते हो शेल से ये नारियल अलग हो गया है, और बहुत ही आसानी से अलग हो गया, 5 मिनट में ही अलग हो गया। अब ये नारियल अलग हो गया है शेल से, अब हम इसका छिलका निकालेंगे। मैं पीलर से निकाल रही हूँ इसका छिलका। आपको चाहिए तो आप चाकू से निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, मगर निकालना पूरा छिलका अच्छे से, क्योंकि हमें चाहिए एकदम प्योर वाइट डेसिकेटेड कोकोनट। तो इसे मैंने अभी पूरा छील लिया, अब मैं इसे कट करूँगी और इसका पानी एक ग्लास में निकाल लूँगी। इसका पानी जो है आप पी लीजिए, बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टोनर होता है नारियल का पानी। अब इस नारियल के हो गए 2 पीसेस, अभी हम इसके और छोटे छोटे पीसेस करेंगे, एकदम स्लाइस कट करेंगे, एकदम बारीक कट करना है, ताकि हम आसानी से इसे ग्राइंड कर सकें। और पूरा नारियल इसी तरह मैं पतला पतला काट लेती हूँ। अब इसे मैं डालूँगी एक मिक्सी के जार में, बिना पानी ऐड किए आपको इसे ग्राइंड करना है। 1-2 मिनट में ये ग्राइंड हो जाएगा, बीच में हिला हिला के 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लीजिएगा। और ये देखिए एकदम बारीक बुरादा बन गया है हमारा नारियल का। लेकिन आप देख सकते हो ये अभी सूखा नहीं है, तो अभी हमें इसे सूखा बनाने के लिए हम इसे डाल देंगे एक पैन में। ध्यान दीजिए आपको नॉनस्टिक पैन लेना है, तो ही आपको बहुत ही आसानी होगी इसे भून कर निकालने के लिए, ड्राई करने के लिए। नॉनस्टिक में ये जो बूरा है इसमें चिपकेगा नहीं, इसलिए आसानी होगी। और इसे मैंने चढ़ा दिया है स्टोव पर, और इसे पहले 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखूँगी। जब पैन गर्म हो जाएगा तब मैं इसे लो फ्लेम में करूँगी, और इसे धीरे धीरे हिला हिला कर भून लूँगी। आपको अगर इंस्टेंट लड्डू बनाने के लिए तो 5-10 मिनट काफ़ी है, लेकिन मैं इसे स्टोर करने वाली 1-2 महीने के लिए, तो 10 से 15 मिनट तक मैं इसे रोस्ट करूँगी। तो दोस्तों ये बन गया हमारा नारियल का सूखा बुरादा। कितना आसान है ना घर पर बनाना। और आप इसे स्टोर कर सकते हो, एट ए कंटेनर में डाल दो और फ्रिज में रख दो, महीनों भर आप स्टोर करके रख सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसी डेसिकेटेड कोकोनट के साथ बनाई है बाउंटी चॉकलेट, जो घर पर बना सकते हैं बाउंटी चॉकलेट। इसकी जो रेसिपी है मैंने अपने वीडियो चैनल में डाली है, और डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ इसका लिंक, चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और घंटे का बटन बजाना ना भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।